जमकर वायरल हो रहा है। स्कूल की छत पर रेत और बालू ये छात्र पहुंचाते तस्वीरों में नजर आ रही हैं। स्कूल में साफ सफाई भी ये छात्र कर रहे हैं। प्राइमरी स्कूल सेकेंड अफजलगढ़ का ये पूरा वीडियो है। तो धमके की चोट पर इंडिया न्यूज की ओर से तमाम सवाल पूछे जाते हैं कि आखिर बच्चों से मजदूरी क्यों करवाई जा रही है, क्या रेत और बालू धोने के लिए बच्चे स्कूल आते हैं। प्राइमरी स्कूल सेकेंड अफजलगढ़ पर एक्शन आखिर कब होगा, मासूमों के भविष्य के साथ इस तरह का खिलवाड़ क्यों किया जा रहा है, स्कूल में मजदूरी करते ये वीडियो वायरल हो रहा है, तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। तो डंके की चोट पर इंडिया न्यूज की ओर से तमाम सवाल पूछे जाते हैं। इंडिया न्यूज पूछता है कि आखिर बच्चों से मजदूरी क्यों करवाई जाती है, क्या बच्चे स्कूल में मजदूरी करने के लिए आते हैं, क्या रेत और बालू ढोने के लिए ये छात्र स्कूल आते हैं, ये तमाम सवाल है जो इंडिया न्यूज की ओर से पूछे जाते हैं। प्राइमरी स्कूल सेकेंडरी अफजलगढ़ पर एक्शन आखिर कब होगा, मासूमों के भविष्य के साथ इस तरह का खिलवाड़ क्यों किया जा रहा है। तो ये तस्वीरें वायरल हो रही हैं। तो डंके की चोट पर इंडिया न्यूज भी अब तमाम सवाल पूछता है कि आखिर बच्चों से मजदूरी क्यों करवाई जा रही है, क्या माँ बाप अपने बच्चों को स्कूल मजदूरी करवाने के लिए भेजते हैं, क्या रेत और बालू ढोने के लिए ये छात्र स्कूल में आते हैं, और प्राइमरी स्कूल सेकेंडरी अफजलगढ़ पर एक्शन कब होगा। ये तमाम सवाल हैं जो इंडिया न्यूज की ओर से पूछे जाते हैं। मासूमों के भविष्य के साथ खिलवाड़ क्यों किया जा रहा है। डंके की चोट पर इंडिया न्यूज ये तमाम सवाल पूछता है कि आखिर बच्चों से मजदूरी क्यों करवाई जा रही है, क्या माँ बाप बच्चों को स्कूल मजदूरी करने के लिए भेजते हैं, क्या रेत और बालू ढोने के लिए ये छात्र स्कूल आते हैं, और क्या प्राइमरी स्कूल सेकेंडरी अफजलगढ़ पर एक्शन लिया जाएगा और कब ये एक्शन लिया जाएगा, मासूमों के भविष्य के साथ क्यों इस तरह का खिलवाड़ किया जा रहा है। और ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता विजय कुमार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विजय, देखिए तस्वीरें लगातार सामने आ रही है, हम अपने दर्शकों को ये तस्वीरें दिखा रहे हैं। बड़ा सवाल ये कि आखिर स्कूल पर एक्शन कब होगा और क्या छात्र स्कूल में मजदूरी करने के लिए आते हैं। पूरा मामला थाना अफजलगढ़ क्षेत्र का है, प्राइमरी स्कूल का है, जहाँ बच्चे जो है वीडियो में ईंट और बालू ढोते नजर आ रहे हैं। ये कोई पहला ऐसा वीडियो वायरल नहीं है, उससे पहले भी जो है कई वीडियो यहाँ वायरल हो चुके। इंडिया न्यूज की टीम ने जब इस वीडियो की जानकारी करते हुए जो बीएसएफ रिजोर्ट से बात की तो बीएसएफ रिजोर्ट ने कहा कि वीडियो को की जांच करके जो है उसमें कार्रवाई की जाएगी। जी स्कूल पर एक्शन कब लिया जाएगा विजय? देखिए आपको बताइए, जैसे ही वीडियो इंडियन न्यूज की टीम ने जो है बीएसएफ रिजोर्ट से बात की तो बीएसएफ ने जो है एबीएसएफ को जांच सौंप कर इस पर कार्रवाई जल्द से जल्द करने की बात कही है। जी लेकिन ये तस्वीरें जो विजय सामने आ रही हैं, इससे क्या कहा जाए कि बच्चे जो स्कूल में आते हैं पढ़ने लिखने के लिए आते हैं और बच्चों से मजदूरी करवाई जाती है, और लगातार सरकार भी है जो बच्चों को अच्छी शिक्षा देने का प्रयास करती है, तो किसकी लापरवाही इस पूरे मामले पर मानी जाए? लेकिन आपको बता दूं, यहाँ एक और योगी सरकार लगातार बच्चों की शिक्षा पर जो है ध्यान दे रही है, लगातार अधिकारियों से जो कह रही है कि बच्चों को अच्छी शिक्षा दी जाए, तो वही कुछ अध्यापक जो है इन जैसे भ्रष्ट अध्यापक जो है बच्चों की जो पढ़ाई को के साथ जो खिलवाड़ करते हैं नजर आ रहे हैं। अब देखने वाली बात ये होगी कि ऐसे अध्यापकों के खिलाफ जो योगी सरकार क्या सख्त से सख्त कदम उठाएगी। जी विजय, क्या इस पूरे मामले पर राजनीतिक प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही हैं? विजय क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी जी विजय, मेरा सवाल ये है, क्या राजनीतिक प्रतिक्रियाएं इस पूरे मामले पर सामने आई हैं अब तक? देखिए अभी राजनीतिक मामला कोई ऐसा समझ में नहीं आया, हमारा जो केवल बीएसएफ से जो केवल हमारी बात हुई है, बीएसएफ ने जो साफ तौर से कहा कि वीडियो को संज्ञान में लेते कि इस पर जांच कर जो है जल्द से जल्द इन अध्यापकों के खिलाफ कार्रवाई की जाए।